कोच बदल के देख लिया, कप्तान भी बदल के देख लिया, खिलाड़ी भी बदल के देख लिए, लेकिन अभी तक ट्रॉफी दूर है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब किंग्स के फ्रेंचाइजी की। पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी ऐसी फ्रेंचाइजियों में से एक है जिसने आज तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती। बल्कि ट्रॉफी जीतना तो छोड़िए, टॉप फोर में भी अगर पंजाब किंग्स की टीम पहुंच जाती है तो इनके लिए बहुत बड़ा एक सक्सेस माना जाता है। बात करें तो इस बार पंजाब किंग्स कुछ नए इरादे के साथ आई है, कुछ नए चेंजेस के साथ आई है, और बहुत बड़े चेंजेस के साथ आई है। अभी हाल ही में आईपीएल का रिटेंशन आया, और आईपीएल रिटेंशन लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो शॉक किया किसी को किसी फ्रेंचाइजी ने, तो वो पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी थी। इन्होंने दो प्लेयर को रिटेन किया, और ये दोनों के दोनों अनकैप्ड प्लेयर थे। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा होगा आपको भी ज़रूर सुन के और देख के। प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह, वही शशांक सिंह जिनको पिछली बार ऐसा कहा जा रहा था कि गलती से खरीद लिया पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी ने, लेकिन उन्हें इस बार रिटेन किया गया है। बात करें तो कगिसो रबाडा, सैम करन, अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के सेकंड बेस्ट टी ट्वेंटी आई बॉलर माने जाते हैं, इन तीनों ही बेहतरीन गेंदबाजों को, ऑलराउंडर्स को रिलीज कर दिया गया है पंजाब किंग्स के स्क्वाड से। क्या सोच के रिलीज किया, क्या कुछ चल रहा था पंजाब किंग्स के दिमाग में, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक 11 कोच बदल दिए हैं। जी हाँ, 11वें कोच हैं उनके रिकी पॉन्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिकी पॉन्टिंग का अच्छा खासा नाम है, रुतबा है, लेकिन क्या पंजाब किंग्स को रिकी पॉन्टिंग विजय रथ पर सवार कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं अपने इस रिटेंशन के बारे में। उन्होंने कहा कि हम इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो ही अनकैप्ड प्लेयर के साथ जाने वाले हैं, हमारे पास सबसे बड़ा पर्स है, इसीलिए हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बहुत बड़े ज़खीरे को, एक बहुत बड़े कोर को बना सके, वो भी स्क्रैच से। हम चाहेंगे कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी आएँ, जब हमारे पास अच्छा पर्स होगा तो हम किसी भी खिलाड़ी के ऊपर अच्छे से दाव लगा सकते हैं। बात करें तो इस समय पंजाब किंग्स के पास 110 करोड़ रुपए का पर्स बचा है, जो कि सभी आईपीएल टीम्स में सबसे ज़्यादा है, और ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। बात करें तो उन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे स्क्वाड को नए प्लेयर्स से भरना चाहते हैं, हम जितनी भी कड़ी है हमारी उन कड़ी दर कड़ी को जोड़ते हुए अपनी टीम को बनाना चाहते हैं और इस आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं। बता दें कि इस बार मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं पंजाब किंग्स के। पंजाब किंग्स के अगर ओवरऑल हम आईपीएल परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। तकरीबन 11 कोचेस उन्होंने बदल दिए, तकरीबन हर साल या हर दूसरे साल उनके कप्तान बदल जाते हैं, उनके रिटेंशंस बदल जाते हैं, उनके प्लेयर्स बदल जाते हैं, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पंजाब किंग्स अभी तक ट्रॉफी जीतने में असफल रही है। अगर आप पंजाब किंग्स के फ़ैन हैं तो आप बताइए कि आप इस रिटेंशन से क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या फिर जो स्टेटमेंट दिया है रिकी पॉन्टिंग ने उससे सेटिस्फाइड है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट केसरी को।